हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल इंग्लिश बाबा। और आज जिस पोएम को हम करने वाले हैं उसका नाम है द ट्रीज, और ये है सीबीएसई क्लास 10th की जो पोएम है ये है 8th यानी 8वीं पोएम, ठीक है। और पोएम का नाम है द ट्रीज। देखो ये जो पोएम है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा नहीं लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो भैया दिमाग लगा लेना, क्योंकि अगर नहीं लगाया इसमें तेरा घाटा मेरा तो कुछ नहीं जाता, तो भैया घाटा तुम्हारा ही है। अब तुम्हें अगर अपना फायदा चाहिए हो तो चलो भाई शुरू करते हैं पोएम को। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पोएम का नाम है द ट्रीज यानी कि पेड़। अब यार आजकल आप लोग ना देख रहे होगे और न्यूज़ वगैरह में भी आता रहता है कि पेड़ों की कटाई चल रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। भाई हम लोग इंसान क्या कर रहे हैं, नए नए घर बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। एक तरफ हमें ये पता है कि भैया इनके बिना, इनसे मिलने वाली जो ऑक्सीजन है उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी साला अंधाधुंध कटाई चल रही है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहना चाह रही हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पौधों को, छोटे छोटे पौधों को घर पे तो लगा रहे हैं लेकिन बाहर जहाँ जंगल होना चाहिए, जो मेन रीज़न है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का, उन्हें काट रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं, पौधे हैं जो घर में लगे हुए हैं, वो जाना चाहते हैं बाहर, कहाँ, खुले मैदान में, खुले जंगलों में, क्योंकि उनकी असली जगह वो है जहाँ पे वो सही से फल फूल सकें। अब यार कोई जंगली जानवर है, शेर है मान लो, अब शेर बना जंगल में रहने के लिए बना है या चिड़ियाघर में, तो आप जानते हो कि शेर बना है जंगल में रहने के लिए जहाँ वो खुले तौर से शिकार कर पाए। तो ये एक सिंबॉलिकल पोएम है, वो पेड़ों के माध्यम से हमें ये बताना चाह रही है कि पेड़ आखिर चाहता क्या है। तो चलो यार शुरुआत करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रही है, पोएट कह रही है, पहली लाइन देखो, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट, जो पेड़ हमने छोटे छोटे घर पे लगाए हुए हैं वो सब किसकी तरफ चले जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और वो जो जंगल है जो अब पूरी तरह से क्या हो गया है, खाली हो गया है, क्यों, कटाई से, उसके काटा जा रहा है, वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब यार आप देख लो, जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो बताओ कोई चिड़िया रहेगी क्या, चिड़िया बेचारी आएगी कहाँ, ठीक है। नो इंसेक्ट हाइड, कहीं पे बेचारा जब वो ही नहीं रहेगा तो इंसेक्ट कहाँ पे छिपेंगे, कीड़े मकोड़े। नो सन बरी इट्स फीड इन शेडो, इस लाइन का मतलब बहुत ध्यान से समझना, बरी का वैसे मतलब तो होता है दफनाना, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके मुस्लिम्स में तो उसे दफनाया जाता है जमीन के नीचे, लेकिन यहाँ बरी का मतलब है, आपने देखा होगा कि जैसे बहुत तेज धूप निकल रही है, ठीक है, और आप धूप में भी किसी पेड़ के नीचे खड़े हुए हो तो वो जो धूप है वो आपको लगती नहीं है, कहीं गायब हो जाती है, मतलब पेड़ क्या करता है उसे सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कहना चाह रहा है, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, लेकिन जब जंगल के अंदर पेड़ ही नहीं है तो जो धूप है जो कि गायब हो जाती थी पेड़ में आके, अब वो गायब नहीं होती, अब वो दफन नहीं होती, कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं होती, क्यों, क्योंकि अब जंगल में पेड़ बचे ही नहीं है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, लेकिन अब वो क्या कह रही हैं, अब ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो घर पे लगे हुए हैं, अब इन्होंने बहुत सह लिया, अब आज रात ये कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं जंगलों की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये वाली बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी कि भाई पौधा तो चल नहीं सकता, पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते, तो वो जा कैसे रहे हैं। तो यहाँ इसीलिए मैं कह रहा था ये एक सिंबॉलिकल पोएम है, मतलब वो उनकी इच्छा बता रही है हमें अपने शब्दों में, पोएट वो कहना चाहती है कि अब वो घर पर नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि बाहर जाएं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अब क्या कह रही है पोएट, क्योंकि अब जाहिर से वरांडा में आपने देखा होगा लोगों के आंगन में क्या लगे रहते हैं, पेड़ पौधे लगे रहते हैं छोटे छोटे सुंदर सुंदर, तो वो कह रही है कि उनकी जो जड़ें हैं वो अपने आप को बाहर निकाल रही हैं, टूट रही हैं, डिसएंगेज, देखो इंगेज डिसएंगेज, डिसएंगेज कर रही हैं अपने आप से, और जब वो कर रही हैं तो क्रैक बन रहे हैं। आपने देखा होगा अगर आप जैसे घास वगैरह जो मैदान में लगी हुई है अगर आप जैसे उसे उखाड़ते हो तो उसके साथ मिट्टी वगैरह उखड़ के आती है, या कभी कभी आपने घर पे कोई पेड़ वगैरह देखा हो अगर उसकी जड़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो क्रैक पड़ जाते हैं। तो वो कह रहा है कि जो पौधे हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं और ज़मीन के अंदर क्या पड़ रहे हैं, क्रैक।
द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास स्मॉल ट्विग्स स्टिप विद एक्सर्शन लॉन्ग क्राम्प बोज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. अब वो कह रहे हैं द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास. यहाँ पे क्या कहना चाहती है पोएट कि जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो ग्लास की तरफ बढ़ रही हैं, शीशे की तरफ. मतलब क्योंकि अभी वो कहाँ पे बंद हैं, एक घर के अंदर हैं, और अब वो खिड़कियों से बाहर निकलना चाहती हैं, तो खिड़कियों में क्या लग रहा है, शीशा, तो वो उसकी तरफ बढ़ रही हैं, कोशिश कर रही हैं. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, छोटी छोटी शाखाएँ जो हैं, एक्सर्शन का मतलब है वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रही हैं, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, अब वो स्टिफ पड़ गई हैं. स्टिफ का मतलब होता है एकदम रिजिड, एकदम सख्त पड़ गई हैं, है ना. लॉन्ग क्राम्प बोज, आपने देखा होगा लॉन्ग क्रैम्प, आपकी जैसे बॉडी, आप एक्सरसाइज करो बहुत ज़्यादा या बहुत भाग के आओ तो क्रैम्प पड़ जाते हैं, दर्द होता है पूरी बॉडी में. तो वो कह रहा है कि जो बोज हैं, ये इसका मतलब भी होता है टहनी है, जो बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं वो भी अब थक चुकी हैं. शफलिंग अंडर द रूफ, और वो रूफ के नीचे क्या कर रही हैं, शफलिंग कर रही हैं, एक तरह से प्लानिंग कर रही हैं कि भैया यहाँ से निकलो, हमें तो घने जंगलों में जाना है. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. अब वो पोएट क्या कहती है, जिस तरह से जैसे एक पेशेंट होता है ना, मरीज, जब वो हॉस्पिटल के अंदर होता है तो बस उसकी उसे बस ये मन करता है, भगवान करे जल्दी से यार घर पहुंचूं, घर पहुंचूं, बहुत हो गया यार, ये तो ये नर्स आ जाती है बार बार, पीछे बम पे वो लगा जाती है, इंजेक्शन लगा जाती है, हैं कि मज़े ले रही है ये, कि मैं पेशेंट के मज़े ले रही है क्या. तो इसी तरह से वो ट्रीज से कंपेयर कर रहा है कि वो जो ट्रीज हैं जो घर के अंदर हैं, वो एक पेशेंट की तरह क्या है, बाहर निकलना चाहते हैं. अब वो आगे देख लो, I sit inside doors open to the veranda, writing loud letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. अब वो कह रही है I उसने लिखा है अपने लिए, मैं घर के अंदर बैठी हूँ और लेटर लिख रही हूँ. किसको? तुम बेटा ये मत समझ लेना कि वो अपने प्रेमी को लिख रही है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग आजकल अपने प्रेमियों को बहुत लिखते हो लेटर. हाँ बेटे, ये बंद कर दो लेटरबाजी, ठीक है, ये तुम्हारा बोर्ड है, इसमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि फिर इसमें तेरा घाटा, मेरा तो कुछ नहीं जाता. चलो पोएम पे आ जा चुपचाप. हाँ बता देना बेटा वैसे गाना कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है. चलो, आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द वरंदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. अब वो पोएट क्या कह रही है, पोएट कह रही है कि मैं घर पे बैठी हुई हूँ और बड़े बड़े लेटर्स लिख रही हूँ. इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर, और उसमें मैं ये जो पेड़ पौधे जो घर से अब जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं लिख रही. अब आप कहोगे सर ये क्या अजीब सी बात है, तो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि आज का इंसान अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो अपने अपने काम में तो ध्यान दे रहा है, कैसे दो पैसे बढ़ जाएँ इस पर तो ध्यान दे रहा है, ठीक है, क्लास में जो नई लड़की आई है उस पर तो ध्यान दे रहा है, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहा कि भैया नए पौधे लगाए जाएं, ऑक्सीजन बढ़े, है ना. तो वो ये कह रहा है कि अब आगे देख लो, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड, देखो अब एक वर्ड आया है LICHEN, इसे आप हो सकता है लाइकेन पढ़ते हो या आप पढ़ते हो लीचेन, दोनों वर्ड्स बिल्कुल सही है, कुछ भी जो आपका मन करे. और इसका मतलब होता है पेड़ पौधों के ऊपर वो ग्रीन ग्रीन सी अजीब सी वो फंगस सी जम जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी. वो स्टिल रीचेस लाइक द वॉइस इन टू द रूम्स. अब वो क्या कहती है कि आज की जो रात है वो एकदम फ्रेश है, ताजी, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, और रात में जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से पूरा का पूरा वो बहुत ज़्यादा क्योंकि आसमान एकदम साफ है और वो पूरी तरह से चमक रहा है, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है. इस चीज़ का मतलब समझना, क्योंकि वो नीचे बैठी हुई है और जंगल में कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई वो नहीं है, तो वो ऊपर से क्या देख पा रही है, चांद को पूरा देख पा रही है. अगर वहाँ बड़े बड़े पेड़ होते तो कहीं ना कहीं उसका जो साइट है, उसका जो मतलब जहाँ वो देख रही है वो ब्लॉक होती. भाई अगर हमारे सामने, आँखों के सामने कोई चीज़ आ जाए तो जाहिर सी वजह जो विज़न, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो कटेगी थोड़ी बहुत, वो हमें साफ़ नहीं दिखेगी. लेकिन वो ये कहना चाहती है नाइट बिल्कुल साफ़ है और मुझे पूरा तरह से जो मून है वो दिखाई दे रहा है, वो चमक रहा है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स. और ये जो पत्तियाँ हैं, ये जो अब बाहर जाना चाहती हैं, इनकी आवाज़, जो खुशबू, इनकी जो खुशबू है वो खुशबू नहीं है, इनकी जो आवाज़ है वो अभी भी मेरे कानों में आ रही है, पूरे इस कमरे में आ रही है. कौन सी आवाज़? माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट. अब देखो यहाँ पे विस्पर्स का मतलब होता है कानाफूसी, क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे बता दे,
तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं विस्पर कर रहा हूँ, ठीक है, विस्पर। तो माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। कहना चाहती है वो कि आज ये जो पेड़ पौधे ये जो बात कर रहे हैं, इनकी जो सलाह चल रही है कि चल यार कल फॉरेस्ट में चलेंगे, ठीक है, जंगल में मंगल होगा, तो माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कल ये पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब देखो वो हमसे बात कर रही है, पोएट क्या कर रही है, ध्यान से सुनो, देखो ग्लास जो है, शीशे का जो ग्लास है वो टूट रहा है, मतलब कि जो पेड़ पौधे आगे बढ़ रहे थे वो और आगे बढ़ चुके हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। देखो स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, कभी कभी आप ठोकर खा के गिर जाते हो। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, और जो पेड़ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं लड़खड़ाते हुए। विंड रश टू मीट दैम। अब जैसे ही वो पेड़ बाहर निकलता है, आप देखो जैसे आप बाहर निकले अचानक से एकदम ताज़ी हवा आपकी बॉडी को लगती है, या आपने अगर नोटिस किया होगा किसी मॉल वगैरह में आप जाते हो, किसी ऐसे रूम में जाते हो जिसमें एसी चल रहा है, तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो, जैसे ही आप एंटर करते हो, आपको अचानक से एक ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ही ये पेड़ पौधे बाहर निकले, विंड रश टू मीट देम, अचानक से हवा आती है उनसे मिलने। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन टू द इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ये लाइन आप बहुत ध्यान से समझना। अब ये देखो, अभी तक वो कह रही थी कि मुझे आकाश साफ दिखाई दे रहा है, मून पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो कह रही है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, चांद टूटा 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 दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कि एक शीशा हो। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और इसके पीस पीस दिखाई दे रहे हैं जैसे कि क्राउन मुकुट की तरह, ऑफ द टॉलेस्ट ओक। टॉलेस्ट ओक क्या है, एक पेड़ है। अब इस वाली बात को समझो, अब यहाँ पे पोएट कह रही है कि जो पेड़ पौधे हैं अब वो बाहर निकल चुके हैं और बड़े हो चुके हैं, अब जो मून पहले मुझे पूरा दिखाई देता था नीचे बैठ के, अब उसके सामने मेरी आंखों के सामने क्या आता है, पहले पहले वो ओक का पेड़ दिखाई देता है और फिर मुझे मून दिखाई देता है। तो जहाँ जहाँ रास्ते में, मतलब बीच में जहाँ पे ट्री आता है, वहाँ पे मुझे क्या लगता है कि जैसे चांद टूटा हुआ हो। ये वाली बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, और यहाँ पे ये पोएम हो जाती है ख़त्म। तो यार बस एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस पोएम का हमारे कहीं ना कहीं एक मैसेज यही देना चाहती है पोएट कि भाई पेड़ पौधे लगाओ, जीवन में हरियाली लाओ, ऑक्सीजन अच्छी रहेगी, हमारा जीवन भाई एक तरफ तो यार हम क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लेनेट्स पे जीवन देख रहे हो कि मंगल पे जीवन है, यहाँ जीवन है, और अपने प्लेनेट को यार, अर्थ को यार ख़राब कर रहे हो, तो ये कोई बात तो नहीं है, ठीक है। तो चलता हूँ, आपसे मिलूँगा नई पोएम के साथ या नए चैप्टर्स में। मेरा नंबर लिख लो 8059041145, 8090 490 411 45। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कोई भी चैप्टर चाहिए हो, एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और यार चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त, अगर अच्छा लग रहा है मामला तो यार सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को टैप करना मत भूलना, ठीक है। आई विल सी यू, बाय।